बादशाहिशों का बादशाह, नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। मुझे चाहिए कूदने वाली रस्सी। मुझे लंबे बाल चाहिए। ये तो मेरी कंघी का टुकड़ा है और ये मेरे बाल हैं। तुम्हारे सिर पे कैसे आ गए बोलो? ये मेरे बाल हैं। दूर हटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भीम, राजू, लड्डू चोर कहीं के? मेरे लड्डू मुझे वापस दो। मौसी, सुनिए तो, ये लड्डू मुझे राकासुर ने दिए हैं। मेरी अंगूठी मुझे वापस कर। मिल गई मेरी अंगूठी। लगता है राकासुर ने अपने जादू से हमें दूसरों की चीजें दी हैं। महाराज, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये काफी बड़ी ख्वाहिश है, इसकी कीमत भी बड़ी होगी। हीरो से भरे 10 संदूक। मुझे ये कीमत मंजूर है। सिपाही, इंतजाम करो। जी महाराज। राकासुर, डाकासुर, राकासुर, डाकासुर, पूरी करेगा। शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया। राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। मुझे राजा सूर्या का सिंहासन दे दिया है। राजा सूर्या का नाम इस पर साफ लिखा है। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए। हमें उसे रोकना होगा। सुनो मेरी डमरू की धुन, रोक ना पाओगे मुझे तुम। Oh!
हुई क्या बंदरानी जी? गलती तुमसे नहीं बल्कि इन राजा साहब से हुई थी बच्चों। मैं समझाती हूँ क्या हुआ करता था। एक दिन जंगल से जाते हुए पूरे जंगल में कचरा फैला रहा था। तुमने कचरा फैला के जंगल का कानून तोड़ा है। बेकार चीजें हैं, फेंकने के लिए ही तो होती है। कचरा फैलाना तुम्हें इतना पसंद है तो बच जाओ मॉन्स्टर। लगता है इसने अपना सबक सीख लिया है। क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? एक रास्ता है, अगर साफ करना हो कचरे का भार, इस्तेमाल करें वस्तु बेकार। अलविदा। बेकार वस्तु का इस्तेमाल? रीसाइकलिंग मतलब टूटी पुरानी चीजों का फिर से उपयोग करना। रीसाइकलपुर में आपका स्वागत है। अरे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। सोने के सिक्के लेकर उड़ गया। वो ताकतवर है जिसके हाथों से मैं बक्से चुरा नहीं पाया। राजा इंद्रवर्मा ने आपको ये सोने के सिक्के पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। सिरपुर के लोग सिर से लेकर पैर तक सोने के जेवरों से ढके होते थे, पर उस रेतीले तूफान ने महल का और सारे गांव वासियों का सारा सोना लूट लिया। इसका मतलब हमारा एक बक्सा खोया नहीं, उस रेतीले तूफान ने चुराया है। और अब उसे इन सिक्कों के बारे में पता चल गया, वो इन्हें भी चुरा लेगा। घबराइए मत राजा जी, उस तूफान को मैं शांत करूं। कमाऊंगा मैं, बालू हो या सोना, मेरा ही है उसे होना। बालू हो या सोना, सब पड़ेगा तुम्हें खोना। चालाकी महंगी पड़ेगी। अब देखो मैं क्या बेचने से रोका और अमीर नहीं बनने दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी ही दौलत से अमीर बन जाऊं। मैंने ये खास चश्मा बनाया जिससे मैं रेत का तूफान बनकर तुम सबसे चोरी कर पाऊं। राजू, चुटकी और जग्गू सिरपुर को उसका सम्मान फिर से लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।